हे गाइस, वेलकम टू टेक एफएक्यू चैनल। कैसे हैं आप लोग गाइस? इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं इस प्रोडक्ट की, जो कि है एक स्क्रीन मैग्नीफायर, या फिर आप कह सकते हो स्क्रीन एक्सपेंडर, वीडियो एम्पलीफायर, या फिर आप कह सकते हो पोर्टेबल होम सिनेमा। अब गाइस, ये जो है बेसिकली आपके मोबाइल की स्क्रीन को एक्सपेंड करेगा और आपका कॉन्टेंट जो है बड़ी स्क्रीन पर शो करेगा। अब गाइस, इससे पहले भी मैं इस टाइप का प्रोडक्ट अनबॉक्स कर चुका हूँ। 6 महीने पहले अनबॉक्स किया था, एक 8 इंच साइज था, वो थोड़ा सा अलग था इससे, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था और आपके काफ़ी डाउट्स भी थे। तो इस वीडियो हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और ये जो है 12 इंचेस साइज के साथ आता है, वो थोड़ा सा अलग भी है। और इस वीडियो हम आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे कि आपको ये परचेस करना चाहिए या नहीं, और किस किस फोन के साथ आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, और इसमें आप पीडीएफ रीड कर सकते हो या नहीं, और साथ में इसकी प्राइसिंग भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस, आप वीडियो को पूरी देखना, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो गाइज, ये है हमारा मेन प्रोडक्ट। इस टाइप का बॉक्स आपको देखने को मिलेगा जब आप इसको मंगाते हो। इस टाइप का प्रोडक्ट है जैसे फोटो में दे रखा है। 3 कलर में अवेलेबल है, रेड, वाइट एंड ब्लैक। हमारे पास जो है वो रेड कलर में है। अब देखेंगे कि प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी मिलती है। योर पोर्टेबल होम सिनेमा, और बैक में प्रोडक्ट की कुछ स्पेसिफिकेशंस दे रखी है, प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन दे रखा है, वो हम देख लेंगे जब इस प्रोडक्ट को हम चेक करेंगे। तो इसको अनबॉक्स करते हैं गाइज। 3, 2, 1। तो गाइज, ये है हमारे पास मेन प्रोडक्ट और क्वालिटी आप देख सकते हो, रेड कलर है जो कि बैकग्राउंड से मैच कर रहा है और मैट फिनिश है गाइज। और जो प्लास्टिक की क्वालिटी है वो ABS मटेरियल में यूज़ हुई है। ये प्लास्टिक की एक कैटेगरी है, इसके अलावा PCB है, और ABS जो है वो भी काफ़ी अच्छी मानी जाती है। और आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा थिन है, और ये एक नोटबुक की तरह फील होगा आपको। आप इसको कहीं भी कैरी करके ले जा सकते हो, अपने बैग में ले जा सकते हो, और ये कोई प्रॉब्लम भी नहीं करेगा आपके बैग में। उसके अलावा आप देख सकते हो ये जो है मोबाइल सपोर्टर है, यहाँ पे आपको सिंपली अपना फ़ोन रखना है और आप अपना कंटेंट का मज़ा ले पाओगे। और ये जो आप लाइन देख रहे हो ये ग्रिप के लिए है। मैक्सिमम इसमें आप 7 इंचेस का फ़ोन लगा सकते हो, लेकिन गाइस मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप 7 इंचेस का फ़ोन लगाओ। वो मैं आपको रीज़न आगे बताऊँगा जब इसमें हम कंटेंट प्ले करेंगे। और उसके अलावा नीचे की साइड आपको एक स्टैंड मिलता है जिससे आप अपना व्यूइंग एंगल चेंज कर सकते हो, अप या डाउन कर सकते हो, तो ये एक अच्छी चीज़ है। और उसके अलावा मेन लेंस जो है वो एक्रेलिक क्वालिटी का है। एक्रेलिक आपने सुना होगा, एक्रेलिक नेल पॉलिश या फिर एक्रेलिक पेंट, उसी कैटेगरी का लेंस है जो कि एक प्लास्टिक की ही कैटेगरी है। अब गाइस, इससे पहले जो प्रोडक्ट मैंने अनबॉक्स किया था उसमें आपके डाउट थे कि इसका लेंस जो है ग्लास है या फिर प्लास्टिक है, तो इसका ग्लास जो है प्लास्टिक का है जो कि काफ़ी क्लियर है और एक्चुअल में लेंस बनाने के काम ही आता है ये मटेरियल। तो सिंपली आपको इसको पुल करना है और इजीली पुल कर सकते हो। ये देखिए गाइस, ये आप बाहर निकालिए और बैक की तरफ फोल्ड कीजिए, तो आप देख सकते हो ये जो है साइज़ 12 इंचेस का साइज़ है। रिफ्लेक्शन काफ़ी ज़्यादा आ रही है इसमें, आप देख सकते हो ये पूरा 12 इंचेस का है। और बैक में आपको क्वालिटी दिखाऊँ तो ये देखिए, आपको पैटर्न मिलता है इसके अंदर, जो कि देखते हैं कि कितना ज़्यादा काम करेगा ये स्क्रीन को मैग्नीफाई करने में। और उसके अलावा आपको सिंपली ये मोबाइल सपोर्टर उठाना है और यहाँ पे अपना फ़ोन रखना है। तो मैं इसको पहले बेस रख देता हूँ बेस पे। और उसके अलावा आप देख सकते हो ये है मेरे पास फ़ोन, Poco F1, 6 इंचेस का है ये, और इसको आपको सिंपली इस टाइप से रखना है। आपको ये फ़ोन जो है इस लाइन के अंडर में ही रखना है जिससे आपका फ़ोन सेंटर में फिट रहे और जो स्क्रीन है उस पर प्रॉपर फिट हो जाए। तो इस टाइप से आपका प्रोडक्ट सेट होगा और सिंपली आपको प्ले करना है कंटेंट और आप देख पाओगे। अब देखते हैं कि कंटेंट जो है इसके अंदर किस टाइप से हमें देखने को मिलता है। उसके अलावा PDF आप किस टाइप से रीड कर सकते हो वो भी हम देखेंगे। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो मैंने वीडियो प्ले कर दी है और कुछ इस टाइप से आपको एक्सपीरियंस मिलेगा अगर आप इतनी दूरी से इसको देखते हो। और जो इसका व्यूइंग डिस्टेंस है वो 1 से 2 मीटर का है, यानी आपको 1 से 2 मीटर दूर बैठना होगा अगर आपको इसको प्रॉपर देखना है। और साउंड की कोई कमी नहीं आएगी। आपका कमेंट था पहले वाले प्रोडक्ट में कि साउंड कम लग सकती है, तो ऐसा कुछ नहीं लगेगा। अगर मैं 1 से 2 मीटर की डिस्टेंस पे रहूं तो आपको कुछ इस टाइप का एक्सपीरियंस मिलेगा, जैसे अभी मैंने अपना फ़ोन का एंगल बनाया हुआ है। और आप अपने अकॉर्डिंग एंगल सेट कर सकते हो। आप देख सकते हो जो नीचे का स्टैंड है वो मैंने अभी उठाया नहीं है, जिस वजह से ये एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी सही एंगल इसमें बैठा हुआ है अभी। और आप साइड से देखोगे तो डेफिनेटली आपको बेजल्स भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि मैं आपको शो कर रहा हूँ। और आप इस साइड से देखिए, अगर मैं आपको फ़ोन दिखाऊं तो आपको कुछ इस टाइप से फ़ोन भी देखने को मिलेगा। इस टाइप से आप अपना फ़ोन सेट कर सकते हो। और उसके अलावा जो स्क्रीन मैग्नीफाई हो रही है वो काफ़ी अच्छे तरीके से हो रही है और आपको कमाल का एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि पहले वाले प्रोडक्ट की तरह है, पहले वाले से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और जो स्क्रीन का साइज़ है वो 12 इंचेस का है, तो आपका जो एक्सपीरियंस होगा देखने का वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब देखिए गाइस, ये प्रॉपर फुल स्क्रीन पे शो हो रहा है और आपको भी कुछ इस टाइप का ही एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। और अगर मैं आपको पास ले जाऊं इस मैग्नीफायर के, तो आपको कुछ इस टाइप से फ़ोन देखने को मिलेगा।
तो आपको प्रॉपर फ़ोन देखने को मिल रहा है। अगर मैं थोड़ा सा दूर हो जाऊँ तो आपको पूरा फ़ोन देखने को नहीं मिलेगा। तो आप देखिए अब जो है प्रॉपर स्क्रीन पे आ रहा है, और जो साइड में भी एजेस हैं वो भी प्रॉपर शो हो रहे हैं, और जो सेंटर है वो तो प्रॉपर फोकस है ही। तो आप देख सकते हो, आपको एक प्रॉब्लम ज़रूर देखने को मिलेगी, आप देख सकते हो जो मैग्नीफायर का ग्लास है इस पर आपको रिफ्लेक्शन ज़रूर देखने को मिल रही है। तो आपको लाइट सारी ऑफ करनी पड़ेंगी जिस वजह से आपके स्क्रीन पर रिफ्लेक्शन ना आए और आपका एक्सपीरियंस और ज़्यादा प्रॉपर हो जाए। तो अभी मैं सारी लाइट्स ऑफ करके एक बार आपको शो करता हूँ। तो गाइज़ अब देखिए मैंने सारी लाइट्स ऑफ़ कर दी हैं, और अब आपका जो एक्सपीरियंस है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि आपके जो स्क्रीन मैग्नीफायर के लेंस पे कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं आएगी, और इससे आपका जो कंटेंट है वो प्रॉपर आप देख पाओगे। तो कुछ इस टाइप से आपको एक्सपीरियंस मिलेगा अगर आप इसको मंगाते हो। तो गाइज़ अब देखिए मैंने PDF इसमें ऑन कर दी है, और आपका भी डाउट था कि आप इसमें PDF पढ़ सकते हो या नहीं। तो गाइज़ देखिए आपको जो PDF के वर्ड्स हैं वो डेफिनेटली मैग्नीफाई होकर दिखेंगे, लेकिन जो रिफ्लेक्शन है ग्लास पे उसकी वजह से आपको बहुत प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि अगर आप लाइट्स ऑफ करते हो तो डेफिनेटली ये जो फ़ोन की लाइट है ये डायरेक्ट आपकी आंखों पे पड़ेगी, जिस वजह से आप पढ़ नहीं पाओगे। तो अगर आपको PDF पढ़नी है तो लाइट्स ऑन करनी पड़ेगी, लेकिन लाइट ऑन करने के साथ ही जो ये ग्लास है इस पर आप देख सकते हो रिफ्लेक्शन काफ़ी ज़्यादा आ रही है, तो इस वजह से आपको PDF पढ़ने में थोड़ी सी परेशानी ज़रूर हो सकती है। तो PDF आप शायद इसमें ना पढ़ पाओ उतने बेटर वे में, क्योंकि ये टोटल जो है मीडिया कंजप्शन के लिए है और आप इसमें कंटेंट ही देख पाओगे। तो ये प्रॉपर जो है वीडियो देखने के लिए है, और इसमें आप वीडियो कॉल भी शायद उतने बेटर वे में ना कर पाओ, क्योंकि डेफिनेटली रिफ्लेक्शन जो है आपको ज़रूर परेशान करेगी। तो PDF आप इसमें नहीं पढ़ सकते, अदरवाइज़ कंटेंट जो आप देखोगे वीडियो वो काफ़ी अच्छे से इसमें प्ले होगी। तो गाइज़ अब मैं आपको बताऊंगा कि क्यों आपको बड़ी डिस्प्ले का फ़ोन नहीं लगाना है, जैसे 6.5 इंचेस या उससे ऊपर के फ़ोन, क्योंकि उसके पीछे एक स्पेसिफिक रीज़न है, वो मैं अभी आपको फ़ोन चेंज करके बताता हूँ। तो गाइज़ अब मैंने फ़ोन लगा दिया है सैमसंग M51 जो कि 6.7 इंचेस स्क्रीन साइज़ के साथ आता है, और इसका रीज़न मैं बताता हूँ कि क्यों आपको बड़ी डिस्प्ले का फ़ोन नहीं लगाना है। तो गाइज़ सिंपली आप देखिए, अभी आप पास से देख रहे हो फ़ोन तो आपको पूरा फ़ोन देखने को मिलता है, लेकिन अगर आप 1 से 2 मीटर की डिस्टेंस पे जाओगे जैसे कि अब मैं जा चुका हूँ, तो उसमें आपको पूरा फ़ोन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी फ़ोन का साइज़ बड़ा है, इस वजह से जो लेंस है वो प्रॉपर फ़ोन को कैप्चर नहीं कर पा रहा है। अगर मैं आपको साइड से दिखाऊं तो आप देखिए कि कितना फ़ोन जो है क्रॉप होके आपको दिखेगा, डिस्प्ले आपको प्रॉपर नहीं मिलेगी, और यही रीज़न है कि आपको बड़ी डिस्प्ले का फ़ोन नहीं लगाना है। तो आपके पास अगर 6.5 इंचेस से नीचे के फ़ोन हैं जैसे 6.3, 6.1 या फिर 5.8, तो वो फ़ोन जो है काफ़ी बेटर वे में काम करेंगे कंपेयर टू 6.5 इंचेस या उससे ज़्यादा के फ़ोन। तो यही मेन रीज़न है कि आपको बड़ा फ़ोन नहीं लगाना है, और अगर आपके पास बड़ा फ़ोन है तो ये प्रोडक्ट आपके लिए वर्थ ही नहीं होगा। तो गाइज़ ये था कुछ प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस। एक मिनट गाइज़, ये कैमरे के अंदर पिंक शो कर रहा है लेकिन एक्चुअल में रेड है। ओके गाइज़ ये कैमरे का कुछ कलर सैचुरेशन हो सकता है, ये वही प्रोडक्ट है जो मैंने अनबॉक्स किया, रेड कलर। बाकी आपने देखा कि इस टाइप का एक्सपीरियंस आपको मिलेगा अगर आप इस प्रोडक्ट को मंगाते हो, और मैं कहना चाहूँगा कि ये अगर आप फ्रंट से देखते हो इसको एकदम डायरेक्टली तो ये एकदम अच्छा एक्सपीरियंस देगा, लेकिन जो साइड से देख रहा होगा पर्सन उसको उतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा, तो ये चीज़ आप कंसिडर कर लेना। उसके अलावा अब बात करते हैं इसकी प्राइस की, तो ये आपको अमेजोन पर मिल जाएगा और इसकी प्राइस है 600 रुपीज़। जी हाँ गाइस, 600 रुपीज़ जो कि पहले वाले प्रोडक्ट से जो पहले अनबॉक्स किया था 8 इंचज़, उससे सस्ता है। वो था 650 रुपीज़ का और 8 इंचज़ का था, लेकिन ये है 12 इंचज़ का और 600 रुपीज़ का है। और उसके अलावा इसमें आपको 1 ईयर की रिप्लेसमेंट वारंटी भी मिलती है, तो अगर आपको इस प्रोडक्ट से कोई प्रॉब्लम भी आए तो आप इसको रिप्लेस करके न्यू भी मंगा सकते हो। अदरवाइज़ ये प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, आपने देखा कि कैसे इसमें वीडियो मैग्नीफाई होके शो होती है। तो एक बार आप ज़रूर ट्राई करना, पसंद आता है तो रख लेना, नहीं पसंद आता तो आप इसको रिटर्न भी कर सकते हो, ऐसी कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। तो गाइस इस वाली वीडियो में इतना ही था, उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रोडक्ट और ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।